स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा ग्लो रोड एप्लीकेशन से आप किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी ग्लो रोड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो और आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है और आप उसको ऑर्डर करना चाहते हो एंड अपने घर के पते पे मंगवाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको ग्लो रोड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। एंड उसके बाद आपके सामने इधर पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इधर पर आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है और आप उसको ऑर्डर करना चाहते हो एंड अपने घर के पते पे मंगवाना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा उस वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि इधर पर आप देखोगे एक शर्ट है जो मुझे पसंद आई है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। और इधर पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और इधर पर आप देखोगे इधर पर साइज मेंशन किए गए हैं, तो आपको कौन सा साइज लगता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इधर पर सिलेक्ट करूँगा एम साइज। एंड उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, वो न्यू का, तो आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब इधर पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यू वाला, तो आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। और इधर पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऐड न्यू एड्रेस, तो आपको इधर पर क्लिक करना है। तो अगर आपने अभी तक एड्रेस को ऐड नहीं किया है तो आपके में डायरेक्टली आएगा एड्रेस ऐड, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आप इस वाले प्रोडक्ट को किस पते पे मंगवाना चाहते हो उधर का आपको एड्रेस देना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में आपको अपना नाम देना होगा एंड सेकंड में आपको अपना पूरा नाम देना होगा। जैसे कि आपको फर्स्ट में अपना नाम, सेकंड में आपको अपना सरनेम, तो कुछ इस तरह से आपको नाम देना है। और थर्ड में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे, जब भी आपका प्रोडक्ट आएगा तो उस मोबाइल नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे देना है। उसके बाद इधर पर आपको थर्ड के बाद आपको फोर्थ में आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है, तो आपको पिन कोड दे देना है। आपको नहीं पता कि आपके एरिया का जिला का पिन कोड क्या है, तो आप गूगल भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इधर पर एड्रेस में अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर दे देना है। और इधर पर आपको सिंपल सा अपना पूरा एड्रेस, चौक वगैरह जो भी है, जैसे कि जो भी एरिया है वो आपको इधर पर दे देना है। उसके बाद आपको इधर पर सिटी देना है और स्टेट देना है। तो बस आप पिन कोड डालोगे तो आपका पूरा का पूरा जो है इधर पर ले लेगा। तो जैसे कि मैं इधर पर पिन कोड डालूँगा, देख सकते हो इधर पर मैंने अपना पिन कोड डाला। और पिन कोड जैसे मैंने डाल दिया, इसके बाद इधर पर आता है कि नाम डालने के लिए, तो मैं इधर पर अपना नाम को डाल देता हूँ। ये मैंने नाम डाल दिया एंड इधर पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अब इधर पर आपका एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देना है। तो मैं इधर पर पूरी की पूरी डिटेल को एंटर कर, कि आप देखोगे मैंने अपना पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया है। एंड इधर पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। और इधर पर आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप पेमेंट किस तरह से करना चाहोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे या आप फ़ोनपे, गूगल पे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना चाहोगे, तो इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इधर पर आपको कैश ऑन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देना चाहते हो। या फिर आप पहले ही पेमेंट करना चाहते हो फ़ोनपे, गूगल पे से, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो।
तो मैं इधर पर अपने हाथ से पैसे देना चाहूँगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तो कैश ऑन पर मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा प्लेस ऑर्डर का, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड इधर पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, और इधर पर आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह, ऑर्डर आईडी वगैरह इधर पर देखने के लिए मिल जाएगी। इधर पर आपको कट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और आपका ऑर्डर हुआ या नहीं वो चेक करने के लिए आपको नीचे की तरफ माई अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है। और इधर पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इधर पर एक ऑप्शन मिलेगा माई ऑर्डर्स का, तो क्लिक कर देना है। और जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो इधर पर आपका ऑर्डर हो चुका है, वो इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर पर आपको डेट भी बताई जाती है कि ये ऑर्डर कब आपके पास डिलीवर्ड होगा। देख सकते हो 26 तारीख को मेरे पास डिलीवर्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।